देखिए, हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में 4000 के ऊपर एडहॉक टीचर्स आज के दिन में लगे हुए हैं, और आज नहीं, बहुत कुछ कुछ टीचर्स तो है कि जो लोग 17-18 साल से लगे हुए हैं। इस स्थिति में EWS रिजर्वेशन के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। जैसे स्टूडेंट इनटेक में EWS कैटेगरी लगने के बाद से यही हुआ है कि 25% सीट्स बढ़ाया जा रहा। हमारा डिमांड है कि सरकार से कि जो OBC रिजर्वेशन के तहत हमें सेकंड ट्रांच पोजीशन, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पोजीशन था, वही अभी तक सरकार ने दिया नहीं है। 2007 में OBC एक्सपेंशन आया था, तो कॉलेजेस को जितनी पोस्ट प्रॉमिस की गई थी कि हम आपको देंगे, उसकी आधी ही रिलीज़ हुई, और तब से आधी रिलीज़ नहीं हुई। तो ऑलरेडी कॉलेजेस में टीचर्स और नॉन टीचिंग कर्मचारियों की कमी है। EWS रिजर्वेशन जनवरी में अनाउंस हुआ, और आप देख रहे हैं कि 5 महीने में लागू हो गया, लेकिन सरकार ने हमें फ़ौरन रुपया रिलीज़ नहीं किया। तो अगर हमारे पास पर्याप्त टीचर्स नहीं होंगे या पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ऐसे में इसका मतलब यह है कि भरे हुए क्लासरूम्स में हमें डील करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सफ़र करेगी। 1986 में टीचर्स को कुछ पेमेंट दिया गया था, 1986 से आज जाके 2019 में वो कहा जा रहा है कि आपसे वो इंक्रीमेंट गड़बड़ था और लाखों रुपया आपसे लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में 5 साल हो जाने के बाद आप किसी से नहीं ले सकते हो। हमारा रिक्वेस्ट यही है दिल्ली विश्वविद्यालय से, जिनको ये सो कॉल्ड एक्सेस पेमेंट दिया गया है, सरकार के पास वेवर के लिए भेजे। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में यूनिट है, उनको अगर लगता है ये वेवर मिल सकता है। बट इस इशू में भी अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय जगह नहीं और खड़े उतरे नहीं हैं। तो इसीलिए, और आपको बता दूं, 86 से आज के दिन में 33 साल बाद आप किसी से बोलो कि वो पेमेंट दे दे, तो उसके अमाउंट क्या हो सकता है आप समझ सकते हो, किसी के पास नहीं है। तो ये हमारे तहत ही इल्लीगल रिकवरी है। कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हीफा से लोन ले लिया जाए, जिसमें मतलब ये है कि स्टूडेंट फीस को बढ़ाकर हमें उस लोन को वापस करना पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि एक्सपेंशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, वो सरकारों की होनी चाहिए। वी हैव अ वेरी सिंपल डिमांड फ्रॉम डूटा प्लेटफॉर्म दैट वी मस्ट गेट एडिशनल पोस्ट। Nobody, not even single teacher, go out of the university because they, you know, there is no question of competency at all. They have served this university for almost half of their life, right? And now this is the due on the university that they should be protected. MHRD UGC ka ye policy teachers ko paar karne ka nahi chalegi. Nahi chalegi, nahi chalegi. Arey nahi chala hai, nahi chalegi. Nahi chala hai, nahi chalegi. Arey nahi chala hai, nahi chalegi. Nahi chalegi.